तीन ही बंदर हो गए, तीन ही डॉग्स हो गए। सिम्बा बहुत एक्साइटेड हुआ है ना देखने को। रेड किंग बढ़िया गार्डिंग करे, ये देखना भाई कैसा करेगा। ये वाला लास्ट वाला पप्पी है, इसकी ज्यादा हालत सी खराब होती। ओ भाई। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल द टिकडॉक चैनल। और गाइस सुबह से बारिश आ रही बहुत तगड़ी। बंदरों को देखो, बारिश में भी चैन नहीं, बारिश में बंदर आ रहे, बट भाई कोई दिक्कत नहीं है, हमारे डॉग जिंदाबाद, किसी को नहीं आना है। ये देखना भाई खा जाली उरा उरा उरा, यहां से वहां कूद गया गया। सिम्बा और रोक्सी तो पूरी गार्डिंग करे, दोबारा से ना अपना पैर तो डुबा लिया सिम्बा। नहीं, सिम्बा ने पहली बार बंदर भगाने के चक्कर में पैर तो डुबाया था। और गाइस दांत दिखा रहे, ये देखना भाई, चिपट में जाओ कोई। तीन ही बंदर हो गए, तीन ही डॉग्स हो गए। एक बार हाथ में आ जाए तो। एक बंदर तो बिल्कुल मेरे सिर पे आ गया, यो आ गया बिल्कुल पेड़ पे। बंदरों को बारिश में जगह नहीं मिल रही छुपने की, इसलिए परेशान हो रहे, कभी कहीं चले जा कभी कहीं चले जा। सिम्बा सारे बंदर भगा दिए, और कहीं सबसे ज्यादा बंदर हमारे घर में सिम्बा ही भगा हुआ है। सिम्बा बिल्कुल एक्टिव रहा गार्डिंग को लेकर, बट भाई एक दिक्कत होगी, डॉग से सारी गिल्ली हुई पड़ी इसके पप्पी। इसके पप्पी इसके पास आके बैठेंगे। कोको यहाँ पर बंदर भगा रही, सामने भाई बंदर आ रहे, वो जा लिया बहुत देर भगा लिया बंदर बंदर। अब भाई एक बार इन्हें खाना वाना खिला दूं। और गाइस इस छोटे पप्पी को देखो, रोक्सी को धमका रहा, ये देखो भाई बार बार भोक कैसे। छोटा पैकेट आजकल पूरा आराम नहीं हो रहा किसी सेंटर था, रोक्सी को भी भोक दे सबको भोक दे, बट भाई रोक्सी भोकने की नहीं, सीधी बुटका भर लगी इसका। तो यहाँ पे इनका खाना रेडी हो रहा, और गाइस इसे देखो कैसे कर रहा, ये देखना भाई कैसे भोकने लग रहा। हाँ क्या है पता, क्या है पता, भूख लग रही है इस साइड से भाई, रोक्सी भूखल लगी रहा नहीं जाता। नु कह रहे दोनों जल्दी खाना दे दे, तो गाइस एक बार इन्हें खाना दे दो, रख दे सभी को खाना। और गाइस छोटे पैकेट ने सबसे पहला खाना खा लिया, अब इन सभी की तरफ को देख रहा। और गाइस बारिश देखो फिर से तेज आनी स्टार्ट होगी, नीचे भाई ये तीनों मस्ती कर रहे, ऊपर सिम्बा बैठा आराम से खाट पे, क्योंकि भाई सारों की मजबूरी हो रही ना एक जगह कमरे में बैठने की, समझ रहे हो। तो गाइस फाइनली रुक गई बारिश, अब भाई रोक्सी के लिए सामान लेने चलता हूं, रोक्सी के नीचे बहुत कम दूध है, इसके नाम के दो तीन प्रोडक्ट लाने, बट भाई जाने से पहले अंदर कर दूं वरना मेरे पीछे पीछे होंगे। और गाइस सारे रास्ते देखो कैसे हो रहे हैं। तो गाइस आगे फाइनली सामान लेकर रोक्सी का, हाँ रोकू तेरे नाम का भी लाया। बंदरों को देखो अब भी आ रहे, एक तो यो बैठा, और गाइस वहां पे सिम्बा भगा रहा, रोकू देखे एक ऊपर बैठा, ऊपर चढ़ जा पेड़ पे, चढ़ जा चढ़ जा। और गाइस पहले रोक पेड़ पे चढ़ जा कर था, क्या बोला तूने, जब भाई मैं इसकी ट्रेनिंग करवाया करू था तब भाई यहाँ तक चढ़ जाता। आ लिया एक और, आ लिया बंदर, रोको भगाइए सिम्बा, तू चढ़ जा दीवार पे, चढ़ जा चढ़ जा, साले को बम से उड़ा दूंगा। एक बार दीवार पे जावा, एक बार फिर से पेड़ पे आ जा। तो गाइस अभी ऊपर से कोको भी आ गई, अब तक भाई ऊपर भगा रही थी बंदर, अब नीचे आकर भगाऊंगी। आज तो भाई पूरा आतंक उतार रखा तो बस ही, ये देखना भाई कैसे अच्छे डाल लग रहे ऊपर से। रोक्सी अपने पप्पी के पास है, वरना रोक्सी और ज्यादा पागल हो जाती बंदरों को देख कर, वो तो भाई इन सबसे भी तगड़ी गार्डिंग करे। वैसे तो भाई गार्डिंग सारे सारे डॉग बढ़िया करे, बट भाई जर्मन से फट कुछ ज्यादा गार्डिंग करे। अच्छा, अरे सिम्बा ने तो मुंह दिया गार्डिंग करते करते ना। अब भाई अंदर चलकर रोक्सी के पप्पी देखता हूँ, रोक्सी के पप्पी चिल्लाने लग रहे, पप्पी देखो कोई कहीं घूम रहा कोई कहीं घूम रहा। और गाइस सब थोड़े से बड़े हो गए चलने फिरने लगे, सिम्बा को देखो कैसे देख रहा, ल सिम्बा देख ले, सिम्बा बहुत एक्साइटेड हो रहा है ना देखने को, ल मिल ले बस रोक्सी ना जा पीछे से, वरना रोक्सी तुरंत बुड़का भर लेगी सिम्बा के, तेरी बिरादरी का ले। सिम्बा को पप्पी बहुत ज्यादा पसंद है, इसके पास छोड़ता हूँ थोड़ी देर, ले खेल ले। ये वाला पप्पी से अपनी मम्मी समझ रहा सिम्बा को, इस अभी से वापिस छोड़ करता हूँ, ज्यादा परेशान नहीं करता कुछ, सामने से रोक्सी भी आ गई। तो गाइस ये घूम रहा रेड किंग चीता, जो यहाँ पर बंदर भगा रहा, बस भाई रेड किंग बंदर भगाता भगाता नीचे ना गिर जा, क्योंकि बिल्कुल पागल हो रहा बंदरों को देख के। अरे सिम्बा के तो बंदर भगाते भगाते टॉयलेट आ जा, इसकी पोटी आ जा। रेड किंग बिल्कुल पागल हो रहा, ये देखना एक बार इस साइड को जावे, एक बार इस साइड को जावे, वैसे तो भाई बंदर सारे भागे हुए, नीचे ना गिर जाइए, एक बार को तो भाई लगा नीचे गिर जाएगा। रेड किंग सिम्बा की तरह पेड़ पर चढ़ा गया, उस दिन भाई सिम्बा पेड़ पे तो चढ़ा था जब नीचे गिरा। रेड किंग बढ़िया गार्डिंग करे, ये देखना भाई कैसा कर रहा, बिल्कुल अटैकिंग पोजीशन मारा सिम्बा, भाई पूरे जोर लगा रहा है साइड आने के, सिम्बा साइड आओगा नहीं, बट भाई ऊपर नहीं चढ़ जाता, नु कह रहा मुझे गोद में ले ले। हाँ आ जा आ जा, सुबह से मौसम एक नंबर का हो रहा, थोड़ी देर में शाम हो जाएगी फिर भाई ना खेत में लेकर चलेंगे, बट भाई आज तो खेत में कीचड़ हो रहा होगा, सारे के सारे काले पीले हो जाएंगे। बात तो सही है। छोटे पैकेट तो भगा ला बंदर बंदर, कभी भाई पता चले वो बंदर भगाने गया और बंदर इसे ठाके ले गए। भोका दिखा दे, नहीं छोटे पैकेट भोका दिखा दे, भोक दे भोकिए भोका लगा। आ जा रेड किंग, बहुत भगा लिया बंदर, जल्दी आ जा रेड किंग, इस वाली दीवार पे कुछ चढ़ने को हो रहा बिल्कुल। हाँ यहाँ आए बंदर, जाली सारे के सारे भाग गए, सारे के सारे भाग गए तेरे कूदते। A few inches later, तो गाइस शाम होगी और गाइस सारे के सारे डॉग एक्साइटेड हो गए घूमने जाने को। रोको देखो भाई कैसा कर रहा, हाँ रोको घूमने करने चलेगा, चलो 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 चलेंगे चलेंगे, बट भाई अभी नहीं लेकर जा रहा, थोड़ी देर में लेकर जाऊंगा। और गाइस इस छोटे पप्पी को देखो कैसा लोट लगा रहा, सिम्बा ने इसकी रेल बना रखी, बार बार आकर टक्कर से मार दे। हाँ रोको चलेंगे बाबू चलेंगे, दो मिनट तो रुक जा। और गाइस बीच लेने जा रहा क्योंकि भाई एक दोस्त के पास जाना, उसकी फीमेल ना बच्चे दिए लैबरा की ने, हमारे गाँव में एक लैबरा की फीमेल, उसने फर्स्ट टाइम पप्पी दिए, चल कर देख आता हूँ। तो गाइस आगे फीमेल के पास, और गाइस ये क्यूट क्यूट पप्पी, इनमें से एक पप्पी ज्यादा कमजोर सा है, ये वाला लास्ट वाला पप्पी है, इसकी ज्यादा हालत सी खराब होती। पर वापस चलता हूँ, थोड़ी बहुत देर में देरी हो जाएगा, अपने डॉग्स घूमने भी लेकर जाना था। और गाइस मेरे पीछे बंदर बैठे, ये देखना भाई कितने क्यूट क्यूट से बंदर बैठे, और भाई छोटा सा आज भाई सुबह से बंदर आ रहे बहुत ज्यादा। तो गाइस आगे घर पर पप्पी इसके पास है, और गाइस रोक पूरा एक्साइटेड हो रहा था घूमने जाने को, भाई से घूमने लेकर जाऊंगा, बट भाई ज्यादा एक्साइटेड तो ये हो रहा है छोटा सा। और गाइस बुड़के भरे मेरे, छोड़ छोड़ के। हाँ क्या है पता, अच्छा अच्छा थोड़ी देर भाई से ग्रिप लगवाता हूँ, फिर भाई ग्रिप के लगे रहेगा, इसका नाम की छोटी सी ट्यूब लानी पड़ेगी, उसमें ग्रिप लगाया जाएगा खुद ही। अभी तो फिलहाल इसे कोई कपड़ा वपड़ा देता हूँ, उसमें लगा लगा ग्रिप ले भाई छुटकुरा, भगत के कच्चे में ग्रिप लगा ले।
भगत वीडियो देख कर चिट जाएगा, उसके कच्चे में ग्रिप लगवा दी, बट भाई फटाफटा कोई दिक्कत नहीं है, लगा ले खेल ले, खुद ही खेल ले। और गाइस पूरी तगड़ी ग्रिप लगा हुआ, अभी सही हो छोटा सा। तो गाइस अभी अपना कच्चा बच्चा छोड़ के मेरे पास आ गया, बार बार मुझे इशारे कर रहा है, कह रहा मेरे साथ खेल। आ क्या है बता, मैं तो नहीं खेलता। जैसे कि जो मुझे चैलेंज कर रहा हो, ये देखना भाई ग्रिप लगा हुआ मेरी गल है भाई। हाँ ठीक है, आलिया देखना मेरे पास जाते कैसा करोगा। भाग गया। पप्पी के साथ मस्ती करते करते अब भाई रोक को लेकर चलता हूँ, बट भाई रोक को ले जाने में आज एक दिक्कत है, पूरे खेत में किचड़ी किचड़ हो रहा होगा, सुबह से बारिश आ रही थी ना, बट भाई चलो कोई नहीं लेके चलते हैं। रुक जा, रोक को लेकर जाऊँ मैं, तू भी चला आगे। और गाइस दिन ब दिन इसकी शरारत बढ़ती जा रही, मेरे लोअर में ग्रिप लगा दी। हट जा। अरे देखी मानना नहीं तू, हट जा। अब भाई से धमकाना पड़ेगा जब भी मानना गए, वरना आदत खराब हो जाएगी इसकी। फिर करागा उल्टा जवाब दे रहा। अच्छा फाइनली रोक को लेके खेत में, और गाइस सारा रास्ता देखो बिल्कुल खराब हुआ पड़ा। रोको ज्यादा जोर ना लगा, वैसे भाई खुला छोड़ता हूँ। रुक जा। थोड़ी देर बाद फिर से बांधना पड़ेगा, बिकॉज भाई कैप्टन आने लग रहा, कैप्टन के साथ इन दोनों का ही पंगा है। और गाइस आज सोच रहे शाम के टाइम सिम्बा को लेकर चलेंगे, सिम्बा को रोकी से मिलवाऊंगे, रोकी से मिले काफी दिन हो गए, कुछ भाई सिम्बा को घर पर रहते रहते काफी दिन हो गए थे। ओए रोको तू कहां घुस गया, वो तो भाई शुक्र है मैं बाइक पर नहीं लेकर, वरना मेरी बैंड बजा देता। जितना कैप्टन आता है इतना भाई जामुन खाते हैं, जामुन देखो कितनी मोटी मोटी पड़ी, पेट के ऊपर छिड़का नहीं खा रहे, क्योंकि भाई जामुन का टहना बहुत पतला हुआ है, पतला तो होता नहीं मतलब, हाँ मतलब कमजोर हुआ है, समझ रहे हो। पर देखो जामुन के कितने मोटे मोटे गुच्छे, ज्यादा ऊंचाई से नहीं होगी। अरे चल जाने आ हा थोड़ा, अरे मेरे रह जागा नहीं, थोड़ा रुको जरा। हो गया पप्पू पास ही बगड़ो, कीड़ा मकोड़ा समझ रहे थे। गया ओए कैप्टन आ गया बांध दे से। मेरे ऊपर चढ़ दे तुरंत कैप्टन आ लिया, जल्दी बांध ले। जितनी तेजी से ऊपर आया था इतनी तेजी से ही नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि भाई सामने से कैप्टन आ लिया, एक भी जामुन नहीं खाई मैंने तो। दो मिनट रुक जा, मजा नीचे उतर जाने दे। और गाइस मुझे एक बार को ये लगा कि कैप्टन खुला आ रहा, बट भाई बांध रखा वरना दिक्कत हो जाती। और गाइस रोक को यहाँ पे बांध दिया था। और गाइस आज फिर से इन दोनों के बीच में चिंटू डालिया था। ओए ओए ओ भाई ओए ओए ये चिंटू हटा स्वयं तो पकड़े एक बार। तो गाइस अभी बहुत कैडा सीन हो गया था, और गाइस ये मान लो हद से ज्यादा कैडा सीन हो गया था। रोक ये वाली हालत देखकर समझ गए होंगे, और गाइस थोड़ी सी मैंने क्लिप गेर भी दी रोक को, भाई मैंने वहां पे बांध रखा था। और गाइस कैप्टन के पास जा लिया चिंटू के ऊपर कैप्टन ने एग्रेशन करा, रोक ने भाई तने मैं खुंटे उंटे सब पाट दिए, और गाइस कैप्टन के ऊपर अटैक कर दिया। अब भाई एक बार कैप्टन को चेक करते हैं, ज्यादा वो तो नहीं हुआ, चिंटू के ऊपर एग्रेशन कराने से ना इसलिए पड़ा उसने खुंटा। यार मेरा हाथ ना पकड़ ले, अरे नहीं पकड़ा कुछ नहीं पकड़ा, इंजेक्शन लगवा लिया इसके। और गाइस मेरी हालत देखो कैसी होगी, इन दोनों का लोक हटवाने के चक्कर में रोक ने भाई गर्दन पे ग्रिप लगा ली थी इसके, फिर भाई हमें तो कोई लकड़ी वकड़ी कुछ नहीं मिली, पहले तो भाई लकड़ी ढूंढी इनकी भाई ग्रिप हटवाई, कुछ भाई रोक की ग्रिप बहुत तगड़ी है, रेड किंग की तो एक बार को हट जा, बट भाई रोक की ग्रिप आसानी से हटती नहीं। रोक आज बिल्कुल गुस्से से लाल हो रहा, ये वाला रूप तो आज मैंने इसका काफी दिनों के बाद देखा, आजा रोक इस साइड को आजा। और गाइस सारा का सारा पंगा चिंटू की वजह से हुआ, चिंटू कैप्टन के पास जा लिया, कैप्टन ने इसके ऊपर अटैक कर दिया, फिर क्या था भाई रोक इसका दोस्त ही है, अपनी भाई पूरी दोस्ती निभावे। तो गाइस अभी थोड़ी देर के लिए रोक इस वाले लकड़ पर बांध दिया, फिर भाई घर पर छोड़ दूंगा, क्या पता भाई दोबारा से कुछ ना कुछ सीन बन जा। बात तो सही है, ऐसी ऐसी लकड़ी तो मुंह में जाकर तुरंत टूट जाती। फिर भाई शिवम ने पता क्या काम करा, शिवम भाई वाला लकड़ लाया, इससे हटवाई ग्रिप। और गाइस रोक को मैंने इसलिए नहीं धमका क्योंकि भाई रोक की कुछ गलती नहीं है, वो तो बेचारा अपनी दोस्ती नहीं भरता, चलो भाई कोई नहीं उतर है सब। तो गाइस अब रोको घर वापस छोड़ करता हूं, रोको वहां को मत ध्यान दे, वैसा मैंने भाई कैप्टन है ना उसकी तरफ को ध्यान है इसका, ओए साइड ऊपर। कोको तुरंत आ गई रोक के पास, पूछ रही क्या बात होगी, तो वाले पीछे चिंटू के बच्चे सारे फसा दे की जड़ तू ही है। अब भाई सिम्बा को लेकर आता हूं, सिम्बा को रोक के साथ घुमाने लेकर चलेंगे। सिम्बा को पता नहीं आज कितने दिन के बाद घर से बाहर निकाला, क्योंकि भाई इसका चोट लगी थी ना, वैसे तो भाई आज भी ज्यादा नहीं घुमाना, थोड़ा बहुत ही घुमा के वापस आ जाएंगे। और गाइस सिम्बा चलते हो पूरा एग्रेशन कर रहा, जो भी सामने डॉग दिखा है उसे भौंकने लग जा, बस सिम्बा बस चिल हो जा। और गाइस सिम्बा भौंकने लगा रोकी को, सामने भाई रोकी बैठा ना भौंके मत, वैसे तो भाई एक बार मिल गया था ना। सिम्बा नो सिम्बा। और गाइस रोकी पूरा मॉन्स्टर है, इसका अगर तो सिम्बा बिल्कुल छोटा सा लग रहा, बिल्कुल तो खैर लग नहीं रहा, बट भाई है तो छोटा ही, ये देखना भाई दोनों की हाइट। और गाइस सिम्बा के अंदर अभी बचपन आया, वैसे तो इसका साइज बढ़ेगा, बट भाई अभी बच्चा ही है, 8 महीने का हुआ अभी, इसीलिए अब इसकी सारी हरकत बचपने वाली है, ओनली साइज में बड़ा हो गया। और गाइस आज के ब्लॉग की एंडिंग यहीं पे करता हूं इन दोनों के साथ ही। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे, और गाइस लास्ट में सब्सक्राइब और कर देना सिम्बा कहां जा लिया।